हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग क्या होती है? स्प्लाइसिंग इंडेक्स नंबर में स्प्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एक इंडेक्स नंबर हमको कोई दिया है जिसको हमने 1980 को बेस मानकर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया हुआ है। वो इंडेक्स नंबर आगे चलता है और फिर उसके बाद में 1984 में उसी का एक नया इंडेक्स और कैलकुलेट हो जाता है जिसमें 1984 को बेस मानकर कैलकुलेट हो, जो पिछला वाला था उसमें 1980 को बेस मानकर इंडेक्स कैलकुलेट किया था। अगला एक और इंडेक्स नंबर शुरू हो गया और जिसमें 1984 को बेस मानकर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया। जो 1980 को बेस मानकर किया गया था इंडेक्स, वो 1984 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया और 1984 में नया बेस लेकर और एक नया इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया। दो सीरीज आपको कैलकुलेट हो गई, एक जो 1980 को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट हुआ और 1984 के बाद वो डिसकंटिन्यू हो गया, और दूसरा 1984 को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट हुआ और जो आगे कंटिन्यू किया। अब स्प्लाइसिंग में क्या करना होता है? स्प्लाइसिंग में करना ये होता है कि जो 1980 में हमने बेस मानकर जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे थे, जो 1984 के बाद डिसकंटिन्यू हो गया और 84 में नया बेस ईयर मानकर नया एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया, तो हमको करना यह है कि कभी कभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमको पुराना इंडेक्स ही ज्यादा समझ में आ रहा है। अब नए इंडेक्स से हम उसे कंटिन्यूएशन में बहुत सी चीजों का सही प्राइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, सही हम उसका अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमको चाहिए यह कि जो 80 वाला इंडेक्स नंबर था वो आगे भी कंटिन्यू करे। लेकिन अब प्राइसेस नहीं है उसकी, हमारे पास डाटा नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ इंडेक्स नंबर ही है, तो अब ऐसे में हमें क्या करना है कि हमको पुराना वाला इंडेक्स को कंटिन्यू करना है। तो इस चीज को स्प्लाइसिंग कहते हैं कि नए वाले इंडेक्स को हम पुराने वाले इंडेक्स से जोड़कर और उसे कंटिन्यू करें, इस चीज को कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, स्प्लाइसिंग को कैलकुलेट करने फॉर्मूला ये होता है, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर यानी जिस साल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का जो इंडेक्स नंबर नया दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, जो आपने नया बेस ईयर आपका लिया गया था उसका जो पुराना इंडेक्स है वो डिवाइडेड बाय 100। अब ये एक सवाल दिया हुआ है आपको, यहां पर ये जो सीरीज है एक दी हुई है 1990 को बेस ईयर मानकर एक ओल्ड सीरीज दी हुई है, जो ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट है और ये 1984 तक यहां तक कैलकुलेट हुआ, 85 के बाद देखिए ये कैलकुलेट नहीं हुआ है 84 के बाद। फिर उसके बाद में दूसरा एक इंडेक्स नंबर जो 1984 को बेस ईयर मानकर कैलकुलेट किया गया और वो आगे तक कैलकुलेट हुआ है। अब हमको करना क्या है कि हमको यही पुराना वाला जो इंडेक्स नंबर है इसी को आगे कैलकुलेट करना है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, इसी प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। अब इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर क्या है? जो हमारा ये इंडेक्स नंबर है ये करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है 100 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। नया बेस ईयर आपने किसको माना है? 1984 को, और इसका ओल्ड इंडेक्स नंबर कितना है? इसका ओल्ड इंडेक्स नंबर है 300 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 300 है ना, एसी के कंटिन्यूएशन में 300 आ गया। फिर उसके बाद में करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 108 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू 824 324 आ गया, 324 आ गया ये। इसी तरीके से फिर हम लोग आ गए करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 110 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर क्या है? 300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 330 आ गया। फिर उसके बाद में करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 115 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 100 345 आ गया।
फिर उसके बाद में 116 मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 348 आ गया। फिर उसके बाद में 120 मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू ये आ गया 360। तो इस तरह से अब आप देखिए कि ये जो इंडेक्स नंबर आ रहा था 300 यहां हो गया और फिर उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया 300 के बाद 1985 में 324, 86 में 330, 87 में 345, 88 में 348 और 89 में 360। तो इसे कहते हैं स्प्लाइसिंग के, यानी कि जो पुरानी सीरीज है हमारी नई सीरीज की मदद से हमें पुरानी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसे कंप्लीट करना, इस चीज को कहते हैं। हाँ, अब हम लोग दूसरी बात लेते हैं बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग क्या होती है? बेस शिफ्टिंग ये होती है कि हमको एक कोई सीरीज दी हुई है, मान लीजिए 2005 को बेस ईयर मानकर एक कोई इंडेक्स नंबर हमको दिया हुआ है और फिर बाद में कहा जाता है कि साहब अब आप ऐसा कीजिए कि हमको जरूरत है 2010 को बेस मानकर हम देखें कि डाटा क्या है, क्योंकि इंडेक्स नंबर बहुत पुराना हो गया, तो आप 2010 को बेस मानकर और यही पूरी चीज कैलकुलेट कर दीजिए। यानी जो प्राइसेस 2005 को बेस मानकर हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया हुआ था उसी को अब हम 2010 को बेस मानकर उसकी एक नई सीरीज कैलकुलेट करें, इस प्रोसेस को कहते हैं बेस शिफ्टिंग। जैसे कि यहां एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2005 को बेस ईयर मानकर ये एक सीरीज दी हुई है और फिर उसके बाद में कहा जा रहा है कि अब आप 2010 को बेस मानकर एक नई सीरीज कैलकुलेट कीजिए, यानी शिफ्ट द बेस ईयर फ्रॉम 2005 टू 2010, यानी 2005 में जो ये बेस मानकर ये जो सीरीज कैलकुलेट की थी अब एक नई सीरीज कैलकुलेट कीजिए जिसमें 2010 को बेस मानिए, इस प्रोसेस को कहते हैं बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन न्यू बेस ईयर, यानी अब नया बेस का हमें कैलकुलेट करना है तो करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर अपॉन न्यू बेस ईयर्स ओल्ड इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर, अब करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है ओल्ड वाला, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है ओल्ड 100 अपॉन न्यू बेस ईयर्स का ओल्ड इंडेक्स नंबर, जो हमारा न्यू बेस ईयर हमने किसे माना है, इसे 2010 को माना है, 2010 का जो ओल्ड इंडेक्स नंबर है, ये ओल्ड इंडेक्स नंबर है, ये कितना है 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू ये दो यहां कट गए, ये दो यहां कट गए, ये 50। फिर इसी तरीके से अगला करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर 150। फिर न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर, न्यू बेस ईयर 2010 है, इसका ओल्ड इंडेक्स नंबर 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया था 75 आ गया। फिर इसी तरीके से अब करंट ईयर का 160, न्यू बेस ईयर का ओल्ड इंडेक्स नंबर 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 80। फिर 180 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इतना आ गया 90। फिर 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। फिर 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। फिर 210 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 105। तो अब ये क्या आ गया, ये हमने यहां बेस शिफ्ट कर दिया 2005 से और हमने बेस शिफ्ट करके कितना कर दिया 2010। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेस शिफ्टिंग। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। अब ये डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है? डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर ये होता है कि जैसे हम लोगों की इनकम जो है वो बढ़ती है, डीए बढ़ता है हमारा और उसकी वजह से हमारी इनकम बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, इनकम हमारी बढ़ती है, इनकम हमारी 2000 थी उससे बढ़कर 3000 हो गई, 4000 हो गई, 5000 हो गई। साथ ही साथ होता क्या है कि प्राइसेस भी बढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बढ़ता है। तो अब एक तरफ हमारी इनकम भी बढ़ रही है और दूसरी तरफ चीजों के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, यानी उनका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बढ़ रहा है। हमको जो डीए दिया जाता है वो इस बात पर, डीए समझते हैं ना, डियरनेस अलाउंस, जो आपने टैक्स में पढ़ा होगा, डियरनेस अलाउंस हमको कब दिया जाता है,
कि जब हमें हमारी इनकम को प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो हमारी इनकम कम हो जाती है इन मनी टर्म्स नहीं इन रियल टर्म्स, तो उस इनकम को पूरा करने के लिए हमको डीए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने की वजह से जो हमको परेशानी हो रही है उस परेशानी को दूर हो जाए, यानी हम इन मनी टर्म्स भी हमारी इनकम बढ़ जाए ताकि हमारी जो इनकम बढ़ रही है और जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो दोनों बराबर हो जाए। अब यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया अभी कि मनी इन मनी टर्म्स हमारी इनकम और इन रियल टर्म्स हमारी इनकम। कभी कभी क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती तो है, मनी टर्म्स में हमारी इनकम बढ़ जाती है लेकिन इन रियल टर्म्स हमारी इनकम कम हो जाती है। अब यहां पर क्या बात हुई, मसलन फॉर एग्जाम्पल हम आप इसको एक कमोडिटी के बारे में इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए कि आटा जो है, जो आटा होता है वीट का आटा, होल वीट जो आटा है, ये आटा साहब 25 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक, और एक मजदूर को जो मजदूरी मिल रही है वो मिल रही है 250 रुपए पर डे, यानी उसकी रियल इनकम जो है और मनी इनकम जो है वो इस तरह से हुई कि मनी इनकम हुई 250 रुपए और रियल इनकम हुई 250 रुपए कह लें या कह लें 10 किलो आटे के बराबर, क्योंकि 25 रुपए किलो आटा है तो अब 10 किलो आटे के बराबर, यानी कि उसकी रियल इनकम और मनी इनकम क्या हुई, मनी इनकम 250 रुपए, रियल इनकम हो गई 10 किलो आटे के बराबर की उसकी इनकम। अब क्या हुआ कि साहब आटे के प्राइसेस बढ़कर 25 रुपए से 30 रुपए हो गए और उसकी मजदूरी 250 से बढ़कर 350 रुपए हुई, यानी 275 रुपए हुई। तो अब क्या हुआ कि उसकी इनकम बढ़ गई कितनी, 25 रुपए कितनी हो गई, उसकी इनकम 250 से बढ़कर 275 हो गई। तो इन मनी टर्म्स तो उसकी इनकम बढ़ गई लेकिन इन रियल टर्म्स अगर हम देखें तो अब रियल टर्म्स में क्या हुआ कि उसकी इनकम अब 10 किलो आटा कितने का हो गया, 300 का, जबकि उसकी इनकम कितनी हुई 275, यानी अब उसकी इन रियल टर्म्स उसकी इनकम कितनी रह गई 9.2 केजीज ऑफ आटा। तो अब क्या हुआ कि इन मनी टर्म्स तो इनकम बढ़ी लेकिन अगर रियल टर्म्स उसको हम देखेंगे तो उसकी इनकम बढ़ने की बजाय कम हो गई। तो जब इस तरह की स्थिति होती है तो हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी रियल इनकम कितनी रह गई है, मनी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमारी रियल इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये चीज कैलकुलेट होती है डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर में। अब इसको हम एक एग्जांपल यहां देते हैं और उसके बाद में हम समझते हैं। ये डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रियल इनकम, यानी जो हमें रियल इनकम इन रियल टर्म्स हमें इनकम पता करनी है, तो मनी इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तो फॉर्मूला हुआ। यहां हमको एक सिचुएशन दी हुई है, ये इयर्स दिए हुए हैं और इयर्स में ये पर कैपिटा इनकम दी हुई है, यानी 1976 में 65 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, फिर 70 थी, 75, 80, 90, 100, 120 है? फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसी टाइम का दिया हुआ है हमको, जब 65 रुपए प्राइस थे तो 100 रुपए कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, फिर 70 रुपए प्राइस हुए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 रुपए हो गया, अब 75 रुपए प्राइस हुए तो 120 रुपए हो गया। अब हम यहां देखें कि हमारी इनकम बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बढ़ रहा है यानी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। तो अब अगर एकदम से हम देखें तो हम शायद ना बता पाए कि इन रियल टर्म्स हमारी इनकम बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा दें जो ऊपर लिखा है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी रियल इनकम मनी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन क्या रियल इनकम भी बढ़ रही है नहीं, इस फॉर्मूले से साबित हो जाएगा। अब मनी इनकम कितनी है 65 रुपए, फॉर्मूला क्या है मनी इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स, तो मनी इनकम कितनी है 65 अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहां तो आ गया ये 65 रुपए ही। अब अगले साल हम लोग देखें रियल इनकम कितनी है 70 अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना है 110 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखें हमारी के रियल इनकम कितनी आई, रियल इनकम आई हमारी 63.6, यानी हमारी इनकम तो मनी इनकम तो बढ़कर 70 रुपए हुई जबकि एक्चुअली वो 63.60 रुपए के बराबर की रह गई। तो अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हमारी इनकम बढ़ने के बजाय रियल इनकम बढ़ने के बजाय कम हो गई है, मनी टर्म्स में तो इनकम बढ़ी लेकिन एक्चुअली हमको रियल टर्म्स में घाटा हुआ। क्यों, क्योंकि जितनी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा
प्राइसेस बढ़ गए हैं। प्राइस कितने 100 से बढ़कर 110 यानी 10% हुए, जबकि हमारी इनकम 10% से कम बढ़ी। अगर 10% बढ़ती तो 71.50 रुपए होती, तो अब क्या हुआ कि इन रियल टर्म्स जो है वो हमारी इनकम पहले के मुकाबले कम हो गई है, जबकि इन मनी टर्म्स हमारी इनकम बढ़ गई है। फिर उसके बाद में अगले साल हम लोग देखें क्या हुआ है। अगले साल फिर हमारी मनी इनकम कितनी है 75 अपॉन हमारा प्राइस इंडेक्स कितना है 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इन रियल टर्म्स हमारी इनकम कितनी रह गई 62.5 62.85 रुपए रह गई, यानी कि रियल टर्म्स में हमारी इनकम और कम हो गई है। फिर उसके बाद में देखें फिर है 80 अपॉन अब इंडेक्स कितना हो गया 130 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये रह गई हमारी 61.50 रुपए की। तो अब देखें हमारी के मनी टर्म्स में तो हमारी इनकम बढ़ रही है, लेकिन रियल टर्म्स में हमारी इनकम कम होती जा रही है। 90 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू अब ये रह गई 60 रुपए। अब फिर उसके बाद में देखें 100 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू सिर्फ 50 रुपए ही रह गई। अब फिर उसके बाद में 120 अपॉन 250 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये 48 ही रह गई, 48 ही रह गई। तो अब इस तरह से हम ये देखें कि हमारी मनी इनकम तो बढ़ी है, लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो देखा हमने कि हमारी रियल इनकम जो है वो कम हुई है। अब इसी में आगे वो कहता है कि कैलकुलेट द रियल इनकम सीरीज, तो रियल इनकम सीरीज तो हमने कैलकुलेट कर दी। फिर उसके बाद वो कहता है कि ऑल्सो प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर रियल इनकम ऑफ वर्कर्स, यानी इनका एक इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट कीजिए। तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का। इंडेक्स नंबर होता है P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब यहां हम लोग 1976 को ही बेस ईयर मानकर कैलकुलेट करा देते हैं। तो अब यहां बेस ईयर दोनों 65 हैं, यानी 65 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये तो आ गया 100 पहले साल का। फिर उसके बाद में करंट ईयर का कितना है 63.5 अपॉन बेस ईयर का 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये कितना आ गया, ये आ गया 97.8, ये आ गया साहब 97.8। फिर अगला हो गया था 62.5 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा इंडेक्स नंबर 96.2। फिर 61.5 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 94.6। फिर उसके बाद में हो गया 60 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 92.3। फिर उसके बाद में 50 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 76.8। और फिर उसके बाद 48 अपॉन 65 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सिंपल इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, इसमें कुछ करना है नहीं, तो इसलिए सिंपल 73.8। तो इसमें हम लोगों ने सिंपल इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से कि रियल इनकम क्या होती है आपको पता चल गई कि मनी इनकम कभी कभी बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर महंगाई इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो हमारी रियल इनकम कम हो जाएगी। और रियल इनकम को इस तरह से दिखाते हैं। और फिर उसके बाद में इससे सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का कह दिया जाए तो आप सिंपल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि स्प्लाइसिंग क्या होती है, बेस शिफ्टिंग क्या होती है, और किस तरह से रियल इनकम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कि मनी इनकम से रियल इनकम में को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये चीजें देखी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वीडियो नंबर 3 इंडेक्स नंबर का, वीडियो नंबर 3 उसमें हम लोग बात करेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर की, जिसमें कि हम लोग फिशर का इंडेक्स नंबर और उसके साथ में दूसरे इंडेक्स नंबर देखेंगे। इस बीच आप इतना कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके।